इन दिनों भागलपुर जिले के 14 प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है और लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। हालांकि पिछले 48 घंटों में गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है, बावजूद इसके गंगा अभी भी भागलपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अभी भी जिले का दियारा क्षेत्र और निचला इलाका जलमग्न है और इस जलपर्रे के बीच अपने अपने घरों में रहने वाले लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर चवनिया, रत्तीपुर बैरिया, दिलदारपुर सहित दियारा इलाके के कई गाँव घरों में अभी भी 6 फीट से 8 फीट पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से जलमग्न गाँव में रहने को मजबूर लोगों ने बताया, अभी तक उनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली है, न पन्नी, न सूखा राशन और न ही उनके खाते में अब तक सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए 6,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाने की घोषणा की राशि ही प्राप्त हुई है। ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से आपदा की इस घड़ी में सहयोग की अपील भी की है। सब देखें चाची माय बहन सब पड़ल सब यहीं बच्चा उच्चा सब घर गिरी गलन फूस के घर छ नहीं अब रह ठार छो नहीं आरो कुछ सत्तू उत्तू खा के कैसों रही रहो जो दूसर कमाए के रखले रही से हो ड्राम तराम थरिया बर्तन अक्सा बक्सा सब गंगा माय अपना पेट में ले गए। बाढ़ पीड़ित में फसल छे 15-20 दिन से नहीं हमरा आर के पन्नी मिले नहीं चूड़ा शक्कर मिले है 10-12 दिन के बाद हमरा आर के व्यवस्था कर ले वे दाल भात दे छे आरो कोई व्यवस्था नहीं। दिनों से परेशान छे परेशान छे 15 दिनों से पानी घेर ले खाना उना ठारे नहीं पन्नी उन्नी ठारे नहीं साल तक दबो करे कुछ अभी कोई चीज सरकार नहीं दे छे नानी। भागलपुर जिला इन दिनों बाढ़ की तबाही से कराह रहा है। तस्वीर भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल के भवानीपुर पंचायत स्थित गांव की है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, बाढ़ में सब कुछ बर्बाद होने के बाद किस तरह बुजुर्ग महिला कमर से ऊपर बाढ़ के पानी में बकरियों को पानी के बीच हाँकते हुए बाहर निकल रही है ताकि पशुधन के सहारे ही जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सके। चेहरे पर उदासी का भाव और बुजुर्ग महिला के आंख से निकलता आंसू सरकारी दुर्व्यवस्था की कहानी बयां कर रहा है। घर में बाढ़ का पानी आ जाने से बुजुर्ग महिला 3 दिन से भूखी है। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है, बाबू देखे लय न आवे छे घर न दुआर छे पानी भरी टोंस तीनों भूखले छे। कितना दिन से भूखलो छे? काले से पानी रुकल छे परसू है से कम रे काल तक खैन हो छे या त खैन हो माल जाल का खाइल कुछ नहीं छे हे बाबू साहब सब ये खटिया में बिना कुछ नहीं बनाया पानी परसू ही आया थोड़ा मोड़ा था आज बहुत हो गया घर सब। सरकार के तरफ से राशन वगैरह कुछ नहीं काई नहीं कुछ नहीं कल पाल के पे हम मुखिया सरपंच खाई दी। भागलपुर में बाढ़ के रौद्र रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफी भयभीत हैं। गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण दर्जनों गांव अभी भी पूरी तरह जलमग्न है। जलालपुर की महिलाएं इसे गंगा मैया का प्रकोप बताते हुए मैया से पूजा अर्चना करते हुए अपने भजन और गीत के माध्यम से रिझाने का प्रयास करते दिखी। अपने बयानों से हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहने वाले जदयू के गोपालपुर से बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसे उगाही करने के लिए आते हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि यहाँ उप मुख्यमंत्री जब आते हैं तो लोजपाइयों, बनिया वर्ग और मालदार पार्टी के साथ घूमते हैं, लोजपा के सुरेश भगत और राजेश वर्मा पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन्होंने चुनाव में एनडीए का विरोध किया, उसके घर में भोजन करते हैं। साथ में जदयू विधायक ने कहा कि जब तारकिशोर बाबू भागलपुर आते हैं तो हमको नहीं खोजते हैं, हमको बिना जानकारी दिए वो मेरे क्षेत्र में घूमते हैं, इससे हमारे क्षेत्र में लोगों को भी खराब लगता है। विधायक ने ये सारी बातें भागलपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कही। वहीं बिहार एनडीए घटक दल में लगातार हो रहे बयानबाजी के बीच जदयू विधायक के इस बयान से गठबंधन की गांठ कुछ ढीली नजर आ रही है। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि जदयू का शीर्ष नेतृत्व अपने विधायक के इस बयान पर क्या कार्रवाई करती है और बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार होता है। झूठ मूठ का दौरा कर रहा है, तहसीलदारी के लिए दौरा हो, राजेश वर्मा के यहाँ गया सोना का ढेर दिया होगा और कहा उसके यहाँ क्यों भोजन करेगा भाई। ज्वेलर्स कोई साधारण नहीं है, इनका कहाँ कहाँ जेवर बिकता है, सोना बिकता है, पता है कलकत्ता में दुनिया भर यहाँ वहाँ सब जगह। उनको एक ढेर उठा के दइए देगा आधे किलो का सोना तो क्या घट जाएगा, कुछ को नहीं घटेगा। इतना बुलवाइएगा बिजनेस नहीं दुर्गुनी करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनने वाला है, नीतीश कुमार को सीधे समझिए आगे नाथ ना पीछे पगा। जितना दिन तक राजनीति कर लिए मुख्यमंत्री बनते रहे, अब हटा भी देगा हट भी जाएगा, इनको चिंता नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला था और जाने के बाद मिलेगा भी नहीं, चाहे दावे के साथ में कहता हूँ। नहीं भाई अभी तो नहीं देख रहे प्रेम है, रोहित पांडे को नहीं खोजा, लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के यहाँ भोजन किया, वैसे अहर घरों के लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग किया। भागलपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयानों पर पलटवार किया है। रोहित पांडे ने शहर के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर जो अनलगर आरोप लगाया है उसका सहारा ही उन्होंने झूठ बोल कर लिया है। विधायक ने कहा कि रोहित पांडे ने फोन किया था जबकि हमने उन्हें फोन नहीं किया, उनके आदमी कुणाल सिंह ने फोन किया, उन्होंने विधायक जी को फोन दिया, विधायक जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप आइए, हमने कहा कि हम आपसे बात करते हैं। इस पर विधायक जी ने कहा कि बात क्या आप लकरनाला से कीजिएगा। रोहित पांडे ने आगे कहा कि वो हमारे आज शुभचिंतक हो गए लेकिन इससे पहले हमारे बारे में उन्होंने जाति सूचक बयान दिया था। विधायक जी ने जो बयान दिया है वो उनके संस्कार का द्योतक है, कौन व्यक्ति किस चरित्र के हैं यह लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल मंडल को लेकर कई बातें की। बता दें कि जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को नेताओं से रुपया वसूलने वाला बताया था, साथ ही कहा था रोहित पांडे भी उप मुख्यमंत्री से नाराज हैं। आज जिस प्रकार से जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाया है उस संदर्भ में हमारा यह कहना है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है एक तो उसका आधार ही जो है वह उसका सहारा ही उन्होंने झूठ से लिया है। वह जिस प्रकार से वो बताए हैं कि रोहित पांडे फ़ोन करके हमारे पास रो रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे वो आए और फलाने जगह चले गए चिलाने जगह चले गए, मैं आज ही नहीं आज से पहले भी अगर कभी हमारी उनसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई हो और इसका वह प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ छोड़ दूँगा। और मैं यह प्रमाण दे सकता हूँ कि आज सुबह 10:00 पर कोई कुणाल सिंह करके उनके सहयोगी थे जिनका फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर, नंबर भी सेव नहीं था, ट्रू कॉलर में कुणाल सिंह लिखा हुआ था लेकिन जो फ़ोटो आ रहा था उस फोटो के माध्यम से हम उनको बराबर उनके साथ देखते थे तो हम पहचान गए थे और उन्होंने बोला कि माननीय विधायक जी आपसे बात करेंगे। और बातचीत के क्रम में विधायक जी हमको ऐसे ही बोले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और कुछ आप बोलिएगा नहीं, बोलेंगे हम। तो हम चूँकि उनके स्वभाव से हम वाकिफ़ थे तो हम संकोच कर रहे थे उनको कुछ बोलने में,
हम बोले कि भैया ठीक है कुणाल जी को दीजिए ना, हम बताते हैं उनको। तो वह बोले कि भाई अरे कुणाल जी से जब हम फ़ोन पर हैं ही तो हमको बताइए, कुणाल जी को क्या बताइएगा। तो हम इसी लहजे में बोले कि अरे आप अभिभावक हैं भैया, आपको क्या हम बताएंगे, हमको लगा कि कुणाल जी को ही विषय बता देंगे तो कुणाल जी से आपकी बात हो जाएगी। तो फिर जब देखे कि वह इस प्रकार से थोड़ा बोलने लगे तो हम बोले अच्छा ठीक है भैया हम बताते हैं, हम करते हैं। चूँकि हम बात को टालना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि उनका थोड़ा आक्रोश कम हो और इससे कुछ बातचीत आगे बढ़े, तो फिर वो थोड़ा हम उनको समझाने का प्रयास करते। लेकिन जो उनका बात करने का आप सोच लीजिए कि लहजा है कि हम उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला बात क्या आप लकड़नाना से कीजिएगा, विचार क्या लकड़नाना से कीजिएगा, यह उनका लहजा था। नैहरा छे नवदा गोपालपुर, भाई छे सुखामा मचे पानी देसम बियाह कर दिले चमरो, तो पानी देसम हमें मरबे के तमरो भाईयो त मरैला पार छे। लेकिन अपना आत्मा करे छे कि हम लहरा जइबो भाई के कलाई बनबो, लेकिन हमरा यहाँ तो जो पानी के बाढ़ पीड़ित इतना होल छे कि एकदम से घर से बाहर न होके सके छिए। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार पूरे देश में 22 अगस्त यानी रविवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन में शहर में चमक दमक तो ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृति की छटा दिखाई देती है। इस प्रेम के आगे बहनें अपने सारे दुख भूलकर भाई की कलाई में रेशम का धागा बांधकर रक्षा का वचन लेती है। लेकिन जब चारों तरफ पानी का एक बड़ा क्षेत्र हो और प्राण भी संकट में पड़ने का डर हो, तो ऐसे में बहन जब भाई की कलाई पर राखी ना बांध पाए तो उसे कितना अफसोस होगा, इस बात का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इनके साल भर के पर्व है, आकी कहे छे कि हमें घर द्वार डूब गेले, केना जेबे हमें राखी बांधेल भाई बाप कन, भाइयो बाप के घर जे छे कि ओहो डूबल छे, बाढ़ से ग्रस्त छे। आकी कहे छे कि ने छे पैसा कौड़ी, बाल बच्चा यहाँ डूबे छे, धसे छे, ने देह पर बस्तर छे, ने खाने के कुछ छे, ने गो टाका छे। अबरी हमरा भाई अर के जे छे नाही कलाई नहीं बन्हैते, राखी बंधन नहीं होते, केना जेबे। राखी बांधे के बहुत शौक छे भाई के कि हम रक्षाबंधन में जेबे, मजे अपना घर देखिए, अपना बाल बच्चा देखिए कि भाई के पास में जिए, भाइयो तो नहीं आवे सके छे। क्या करिएगा, क्या करें, गंगा माई बढ़ गया तो कैसे जाएंगे। क्या इच्छा होता है रक्षाबंधन में घर वहाँ मायके जाने का, जाने का होता है ना, काहे नहीं जा पाइएगा, जाने पड़ेगा अगर गंगा माई डूबा दिया तो नहीं जा पाते हैं। नैहरा छे नवदा गोपालपुर, भाई छे सुखामा मचे पानी देसम बियाह कर दिले चमरो, तो पानी देसम हमें मरबे के तमरो भाइयो त मरैला, आ डूबी ढसी त भाइयो तो गइले, भाइयो हमरो पार छे। लेकिन अपना आत्मा करे छे कि हम लहरा जइबो भाई के कलाई बनबो, लेकिन हमरा यहाँ तो जो पानी के बाढ़ पीड़ित इतना होल छे कि एकदम से घर से बाहर न होके सके छिए। अगर तनी गो बाल बच्चा छोड़ी कनो जेबे तो बाल बच्चा पानी में गिरी के डूबी धसी के मरी जेते। भागलपुर के नाथनगर के दिलदारपुर दियारा में रहने वाली महिला के मन में बाढ़ की विविधता के कारण इस बार भाई की कलाई सूनी रह जाने का दर्द साफ चेहरे पर देखा गया। सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे सभी अभी बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, पानी में घर के छोटे छोटे बच्चे रहने को विवश हैं और उनको छोड़कर जाने पर हादसा होने का डर मन में लगा रहेगा, और इस बाढ़ के बीच अपने भाई को भी नहीं बुला सकती क्योंकि पानी के बीच उसे भी आने में जान का खतरा है। साथ ही महिलाओं ने कहा कि यह रक्षाबंधन पर जो भाई की बहनें कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है वह जीवन की रक्षा के लिए है, ना कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का। रक्षाबंधन को लेकर भागलपुर के बाजार में खासा उत्साह देखने को मिला। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक राखी का त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार राखी यानी रक्षाबंधन आज यानी कि 22 अगस्त को मनाया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण के बीच इस बार राखी का खास महत्व है। संक्रमण थोड़ा कम होने से बाजार में लोग कम दिख रहे हैं। सरकार के द्वारा भी बाजार में छूट दी गई है। बाजार में राखी से लेकर मिठाई और गिफ्ट की काफी अच्छी बिक्री हो रही है। इस बार स्टोन, कुंदन और एडी की छोटी राखियों की मांग सबसे ज्यादा रही। इसके अलावा भाभी के लिए लुम्बा राखी, कंगन राखी और बच्चों के लिए कार्टून राखी की भी खूब डिमांड रही। इसके साथ ही बाजारों में लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए भी उमड़ी रही। भाई बहन के स्नेह और प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल ने पहली बार एक नया फैसला लिया है। दरअसल निगम द्वारा आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक महिलाओं एवं छात्राओं के लिए बस सेवा निःशुल्क रखी गई है। निगम द्वारा रक्षाबंधन के दिन पहली बार ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाएं और छात्राएं पूर्णिया, बांका और तारापुर क्षेत्र में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। पथ परिवहन भागलपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार सांडिल ने बताया कि पहली बार रक्षाबंधन के दिन परिवहन निगम अपनी बसों में महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क सवारी कराएगा। सुल्तानगंज प्रखंड के आसियाचक पंचायत वार्ड संख्या 4 के ग्रामीणों ने पानी को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुखिया, वार्ड और पंचायत सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि जल नल योजना का 3 वर्ष पूर्व ही कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन 200 उपभोक्ताओं को मात्र एक ही टंकी से पानी दिया जाता है, उसमें भी महीना दो महीना तक पानी नहीं आता। साथ ही साथ मुखिया और पंचायत सचिव सभी मिलकर सरकारी रुपये का बंदरबांट कर लिए। ग्रामीणों को जानकारी ना हो इसलिए अभी तक शिलापट भी नहीं लगाया गया। हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री को शिकायत की, लेकिन उस पर कोई भी पहल नहीं की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना कही जाने वाली 7 निश्चय योजना को पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तार तार कर दिया है। प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ढुलमुल रवैये के कारण यूं कह सकते हैं कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। चाचा, क्या समस्या होता है? समस्या कि यहाँ पानी सही से नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ कहे? हथियो गाँव, 4 नंबर वार्ड। कौन पंचायत में पड़ता है? आसियाचक पंचायत। कितना दिन हुआ कनेक्शन करने से? 3 साल हुआ है। फिर पानी नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता है। यहाँ समस्या है कि पानी 10 दिन चलता है, 5 दिन बंद, फिर 5 दिन चलता है तो 10 दिन बंद, और इसका कोई गार्जियन नहीं है। जो चलाने वाला है वो ठीक है, चला रहा है, नहीं तो 1 महीने में 2 महीने में खराब होते रहते। कितना दिन हुआ बनने से? इसको बनने से 3 साल हो गया। 3 साल से? हाँ। लेकिन पानी गांव वाला पानी सही से कभी नहीं मिला आज तक। मेंस फैशन के एक बड़े ब्रांड इंडियन ट्राइन के एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन भागलपुर में हुआ। भागलपुर के होटल विनीत के पास इंडियन ट्राइन फैशन लिमिटेड के एक्सक्लूसिव ब्रांड शोरूम का शुभारंभ राकेश सर्राफ के द्वारा किया गया। मौके पर वीएम दीप शिखा श्रीवास्तव, रुद्र कुमार झा सहित कंपनी के अन्य लोग मौजूद रहे। वीएम दीप शिखा श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिसे आप सोशल मीडिया पर इंडियन ट्राइन ब्रांड के प्रोडक्ट पहने देख सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में शर्ट, ट्राउजर, डेनिम टी शर्ट सहित किड्स के रेंज भी उपलब्ध हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर में प्रोडक्ट की रेंज उपलब्ध है। प्रोडक्ट्स की कीमत मात्र 799 से शुरू होती है, जो 2599 तक है। भागलपुर में एक्सक्लूसिव इंडियन ट्राइन ब्रांड का शोरूम मिसिंग था, वह हमारे कंपनी की तरफ से भागलपुर के लोगों को सौगात के रूप में दिया गया है। हेलो एवरीवन, मैं दीपशिखा यहाँ की वीएम इंडियन ट्राइन से वीएम आई हूँ ओपनिंग करने के लिए। एंड हमारा स्टोर ब्रांड नेम इंडियन ट्राइन, हमारे ब्रांड के एम्बेसडर मिस्टर धोनी जी हैं, और हमारे भागलपुर में इंडियन ट्राइन ब्रांड लैक कर रहा था, जो हम अपने ब्रांड के तरफ से भागलपुर को गिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग आइए, विजिट कीजिए। हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो 799 से लेके 2599 तक जाता है, और हम मेंस वेयर में काम करते हैं, किड्स भी इंक्लूडेड है। मेंस वेयर का सारा वेराइटीज़ है, शर्ट, टी शर्ट्स, बॉक्सर्स, आपका डेनिम्स, ट्राउजर्स, सारी चीज़ें हैं। हमारे ऑफ़र बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, आप आके विज़िट कीजिए, देखिए हमारे स्टोर को, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी,
फिटिंग्स सारी चीज़ें बेहतरीन हैं।